से मेलो भाई बेहरा जी, खीम भाई, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, मेरंग भाई गौरैया जी, बीडी मोरी जी, ज्योति बेन, युवराज सिंह बाढ़ेर जी, मयूर भाई, शैलेश भाई और मंच पर उपस्थित पूज्य संतजन स्वामी श्यामानंद जी, योगी जीवननाथ बापू जी, स्वामी कृष्ण प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, द्वारिका से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, चार धाम में एक प्रमुख धाम भारत की कोटि कोटि जनता की आस्था की प्रतीक भगवान द्वारिकाधीश को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि हमारे मथुरा वृंदावन के कान्हा को आपने द्वारिकाधीश बना करके लोक पूज्य बना दिया। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 5000 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था। उनकी बाल लीलाओं से मथुरा, वृंदावन और बरसाना और आसपास का क्षेत्र उपकृत है। वे पूरे क्षेत्र हमने तीर्थ बना दिए हैं और भगवान कृष्ण जब असुरों का संहार करते हुए द्वारिका में पधारे थे तो यहां की लोक पूज्य जनमानस में उन्हें द्वारिकाधीश बना करके यहां के राजा के रूप में सम्मान दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। गुजरात की धरती देश के लिए प्रेरणा की धरती।